नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। अपने युवा वीर पुत्र खंडेराव होलकर की मृत्यु के पश्चात उनके पिता सूबेदार मल्हार राव होलकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे और अब वह प्रतिशोध लेना चाहते थे राजा सूरजमल जाट से। यहां तक कि उनके शिरोविच्छेदन तक की भी बात हुई थी। और जब यह समाचार राजा सूरजमल जाट के पास पहुंचता है कि मल्हार राव होलकर स्वयं अपने बेटे की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आने वाले हैं, तो अब तक जो युद्ध धैर्य और कूटनीति के बांध से लड़ा जा रहा था, उस पर अब मल्हार राव होलकर नाम की बाढ़ आने वाली थी और वह सारे कूटनीति के बांध तोड़कर वह विनाशलीला मचाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि राजा सूरजमल जाट बड़े ही बुद्धिमान राजा थे। वह सूझबूझ से काम लेने वाले राजा थे। उनकी कूटनीति और युद्ध नीति की प्रशंसा बाद में अंग्रेजों ने भी करी थी। तो यहां पर वह जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शक्तिशाली सूबेदार होते हैं, शिंदे, जयाजी शिंदे, जिन्हें आज हम सिंधिया के नाम से भी जानते हैं, उनके पास मैत्री का प्रस्ताव भेजते हैं जिसे शिंदे जी स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के वर्णन के अनुसार जो राजा सूरजमल जाट थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी यानी कि रानी हसिया देवी जी, वह अपने जो वकील थे रूपराम कटारिया जी, उनके साथ एक पगड़ी और एक पत्र शिंदे जी के पास भेजती है एज ए फ्रेंडशिप के ऑफर के तरफ, और जिसे वह स्वीकार करते हैं और बदले में वह भी पगड़ी और एक मैत्री का पत्र राजा सूरजमल जाट की तरफ रवाना करते हैं। दोस्तों, ये जो पुरानी परंपरा थी ना पगड़ी एक्सचेंज करने की, इसे कहते थे पगड़ी भाई बनाना। जब दो राजा आपस में पगड़ी एक्सचेंज कर लिया करते थे, इसका मतलब वह अब वह दुश्मनी भुला के मित्रता अपना चुके हैं और वह एक तरह से पगड़ी भाई बन चुके हैं। तो सिंधिया जी जो मित्रता का प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लेते थे। अब जयाजी सिंधिया जी जाते हैं राघोबा दादा के पास और उन्हें समझाते हैं कि दादा देखिए, जो राजा सूरजमल जाट है वह मैत्री के प्रस्ताव की हमें भेजा है जिसे हमने स्वीकार कर लेना चाहिए और अब वह पैसे देने के लिए भी तैयार है जिसके लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा था। तो उस प्रस्ताव के अनुसार राजा सूरजमल जाट 60 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। अब कहीं कहीं पर यह रकम 30 लाख रुपए भी बताई गई है। तो जो भी था, इस तरह से संधि का एक प्रस्ताव आता है और राघोबा दादा भी इससे खुश होते हैं कि चलो अपना जो उद्देश्य था वह पूरा हो रहा है और महीनों से लंबा खींचा यह युद्ध अब जाके समाप्त होगा। दोस्तों, पर यहीं पे समस्या का समाधान नहीं होता। अब यह बात समझानी थी एक पिता को जिसका युवा बेटा हाल ही में मारा जा चुका है और अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, तो यह कैसे समझाया जाए। तो दोस्तों, एक पिता को समझाना तो बहुत कठिन था, परंतु एक मराठा साम्राज्य के सूबेदार को यह बात समझानी आसान थी, उसे यह बात समझाई जा सकती थी। तो दोस्तों, इसी तरह से कूटनीति और युद्ध नीति चलती है कि अपने जो राज्य का हित है उसे देखा जाता है व्यक्तिगत हितों को परे रख के। तो अब राघोबा दादा स्वयं और शिंदे जी भी स्वयं जाते हैं मल्हार राव होलकर के पास और उन्हें समझाते हैं कि देखिए, इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया है और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मल्हार राव होलकर साफ मना कर देते कि नहीं, मैं अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा, उसके बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा, अपने बेटे की अस्थियां मैं नदी में प्रवाहित करूंगा। इस तरह का प्रण लिया था उन्होंने। परंतु दोस्तों, फिर उन्हें समझाया जाता है और जैसा कि सीरियल में बताया गया है, इतिहास में ऐसा वर्णन नहीं है, कि माँ अहिल्या भी अपने ससुर सूबेदार मल्हार राव होलकर जी को समझाती है कि यह युद्ध वैसे ही महीनों लंबा खिंच चुका है, इसमें मराठा साम्राज्य का काफी धन और जनहानि भी हो चुकी है। अब यह युद्ध यदि आप विकराल पैमाने पर लड़ना चाहते हैं तो इसमें तो और ज्यादा धन की हानि होगी जिसे एक बार बर्दाश्त किया जा सकता है, परंतु इसमें मराठा साम्राज्य के उन सैनिकों का भी नुकसान होगा जो कि आने वाले दूसरे युद्ध के लिए हमें तैयार करके रखने चाहिए। तो काफी इस तरह से समझाया जाता है और अंततः मल्हार राव होलकर जी का गुस्सा, उनका क्रोध थोड़ा शांत होता है और वह समझते हैं परिस्थितियों को और वह भी तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राजा सिंधिया थे उनकी जो सेना थी वह मोर्चे को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जो राजा सिंधिया थे उनको अजमेर के जो राजा थे राम सिंह, उनकी तरफ से आमंत्रण आता है तो वह वहां पर चले जाते हैं।
तो मराठा सेना अब कुमेहर के मोर्चे से हटने लगती है। यह देखकर राघोबा दादा भी खुश हो जाते हैं कि चलो यह महीनों चला युद्ध अब खत्म हो रहा है, अब हम उत्तर भारत की तरफ जो अफगान आक्रमणकारी आ रहे हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो राघोबा दादा भी उसके बाद पुनः महाराष्ट्र जाते हो और फिर अपनी दूसरी मुहिम पर निकलते हैं, जो कि बड़ी ही ऐतिहासिक मुहिम थी जिससे वो मराठा साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उस समय मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था और कहा जाता था कि मराठों का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के अटक से लेके भारत के दक्षिण में कटक तक है। तो दोस्तों यह थी आज की प्रस्तुति, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।